कैसे हो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस वक्त मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए मेला, और ये मेला अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि दरअसल ये मेला स्पेशली प्रेमी युगल के लिए है, जहाँ प्रेमी युगल पहुँचते हैं, और जिस प्रेमी को अपना मन चाह प्रेमिका मिल जाती है तो वो उसे प्रपोज करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस मेले में इतना भीड़ होता है कि यहाँ पैर भी रखने का जगह नहीं मिलता। और चलिए तो आपको दिखाते हैं मेले का व्यू, और साथ साथी हैं जो चल रहे हैं हमारे साथ मेला घूमने के लिए। देख सकते हैं कि उधर हमारी बाइक खड़ी है और एक दोस्त बाइक चला रहा है। और चलिए अब मिलते हैं डायरेक्ट मेले में, और फिर दिखाते हैं आपको अच्छा अच्छा सीन वहाँ पर। और आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है, तो बने रहिएगा ब्लॉग पर अंत तक। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइक पार्क कर दी है, यहाँ पार्किंग बनाया हुआ है बाइक का, और यहाँ देख सकते हैं मोटरसाइकिल 20 रुपया प्रति स्टैंड, यानी। तो गाइस, बहुत अधिक भीड़ होने की वजह से आवाज़ नहीं जा रही थी, इसलिए बैकग्राउंड वॉइस देना पड़ा है, और आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में भीड़ है। और ये देखिए, ये गेट पश्चिमी हिस्से में है, और ये बगल में है नदी, और इसी के किनारे ये मेला लगा हुआ है, और भीड़ इतनी मात्रा में बढ़ चुकी है कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए दुकान है यहाँ फोटो का, और ये अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ मंदिर के पास, और ये सामने दिख रहा होगा ये दुर्गा माँ का मंदिर है, और पीछे वो बिल्डिंग जो दिख रहा है वो स्कूल था, और ये मंदिर का सामने से देख सकते हैं सीन। और इस वक्त देखिए कितना बेहतरीन तरह से सजाया है मंदिर को, और आप इन्हें देखिए, ये आदिवासी लोग हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि उन पर देवी माँ आ गई हैं, और ये अब मंदिर की ओर जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और बहुत ही दौड़ते हुए आते हैं और निकलते भी हैं। और ये देखिए दौड़ते हुए निकले मंदिर से, और जब आते हैं तो बहुत ही अफरा तफरी हो जाती है। और अब देखिए वो भी पीछे से जो अभी इन किए थे वो निकल रहे हैं धीरे धीरे बाहर, साथ में ढोल सब लेके चलते हैं ये लोग। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब आप इन रिपोर्टर भाई साहब पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब कमला पसंद खा करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या कहना इनके बारे में। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं स्कूल के ग्राउंड में, और देख सकते हैं बच्चे लोग कूद कूद के मजा ले रहे हैं मेले का। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ से निकल के आए थे, और अब
शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से आदमी औरत के फेस में है, तो उन्हें पकड़ के रखा है शांत कराने के लिए। फिर भी ये भाई साहब शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से ये आगे पीछे हो रहे हैं। और गाइस अब चलते हैं आगे और मेला में और कुछ भी इंजॉय करते हैं। गाइस अभी तक मैंने कभी ढोल नहीं बजाया है, लेकिन पहली बार एक्सपीरियंस ले रहा हूँ ढोल बजाने का। गाइस ढोल बजाने में भी तो मजा आ गया। अब चलिए आगे चल के अब बैलून बेचने का एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बैलून बेचने में वाकई कितना मजा आता है। गाइस ये है हमारा बैलून का शॉप, नया नया शॉप है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलून ले लो दौर के, प्लीज बैलून 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 ले लो दौर के दौर के। अब हम लोग आराम से निकल रहे हैं। आंचल कुमारी और चाची कुमारी तो मिस्टर गंगटी में रहती है। तुम्हारी माँ यहाँ पे कार्यालय के बगल में खड़ी है। तुम ऐसे अमरार की निवासी है। तुम्हारी माँ यहाँ बगल में खड़ी है, यहाँ आ करके उससे मिल लो। कार्यालय के बगल में खड़ी है। अब हम लोग स्कूल के ग्राउंड से निकल चुके हैं बाहर। आप कार्यालय के बगल। तो गाइस मेला घूमते घूमते बहुत हो गया है शाम और अब अंधेरा भी होने चला है। अब निकल रहे हैं घर की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।